सब्सक्राइब कीजिए बायोटेक्नोलॉजी एजुकेशन को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिले। तो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए टॉपिक लेकर आए हैं कल्टीवेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ वायरसेस। जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहले सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले। देखिये, हम आज बात करने वाले हैं कि अभी जो वायरस की बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही है, तो हम वायरस को किस प्रकार से कल्टीवेट करते हैं और किस प्रकार से पर्टिकुलर किसी वायरस को आइडेंटिफाई करते हैं, पहचानते हैं। जैसे कि अभी वायरस का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चल रहा है COVID-19 का, तो किस प्रकार से हम कल्टीवेशन करते हैं, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, जो किट है वो किस तरीके से वर्क करती है। तो जिन स्टूडेंट्स को नोट्स चाहिए कल्टीवेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ वायरसेस का, वो हमारे वीडियो को यहीं पे पास करके स्क्रीन शॉट लेकर के नोट्स ले ले। तो हम स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना समय गवाए। देखिए, वायरसेस आर अनेबल टू रिप्रोड्यूस आउटसाइड ऑफ लिविंग सेल्स। यानी आप सभी लोग जानते हैं कि वायरसेस एटमॉस्फेयर में नॉन लिविंग के रूप में बिहेव करते हैं, और जब कभी किसी लिविंग बीइंग के अंदर जाते हैं तभी वो लिविंग के रूप में बिहेव करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं जो है। तो ये सभी लोग जानते हैं कि वायरसेस आर अनेबल टू रिप्रोड्यूस आउटसाइड ऑफ लिविंग सेल्स, सो वायरसेस कैन नॉट बी कल्चर्ड इन द सेम वे एज द अदर सेलुलर माइक्रोऑर्गेनिज्म है। जैसे कि बैक्टीरिया वगैरह से करने के लिए हम क्या करते हैं, सिंपली मीडिया बना लेते हैं, पीडीए या दूसरा मीडिया, न्यूट्रिएंट ब्रॉथ, कोई भी मीडिया बना लेते हैं। उसके लिए प्रोटोकॉल हमारे पास होता है। यानी मीडिया बनाने के बाद हम क्या करते हैं, बैक्टीरिया को सॉयल सैंपल से अगर आइसोलेट करना है तो वहां पर हम क्या करते हैं, 1 ग्राम सॉयल लेकर के उसका सीरियल डाइजेशन करके फिर हम उसको प्लेटिंग करते हैं मीडिया के ऊपर, तो कॉलोनीज आती है। फिर उसका प्योर कॉलोनी अगर बनानी है, आपको पता है कि मेरी डिजाइन बैक्टीरिया की मॉर्फोलॉजी मान लीजिए येलो कलर की है, तो हम उसको फिर से अगेन जो है स्टेकिंग करके प्योर कॉलोनी फॉर्म कर लेते हैं। अब अगर उसके बाद हम वायरस का इन्फेक्शन करा दें, तो अगर वायरस इन्फेक्शन करेगा यानी बैक्टीरिया की लॉन वहां पे आ जाएगी, मेरे पास पूरे प्लेट में मेरे पास बैक्टीरिया होगा। अगर हम बैक्टीरियोफाज का इन्फेक्शन करा दें उसके ऊपर, तो जहां पे बैक्टीरियोफाज इन्फेक्शन करेगा वहां पे प्लेक्स फॉर्म हो जाएंगे, यानी वहां पे हम बोले धब्बे जैसा दिखाई पड़ेगा आपको जो है। तो देखिए, सो वायरसेस कैन नॉट बी कल्चर्ड इन द सेम वे एज अदर सेलुलर माइक्रोऑर्गेनिज्म। यानी जिस तरीके से हम बैक्टीरिया को कल्चर करते हैं, उस तरीके से हम वायरसेस को कल्चर नहीं कर सकते। वायरसेस को कल्चर करने के लिए हमको एनिमल सेल चाहिए, या ह्यूमन बींग की सेल चाहिए, या कोई लाइव सेल चाहिए, या सीरम चाहिए, तो तभी हम कल्चर कर पाएंगे। नहीं, बैक्टीरिया जैसे हम कल्चर करते हैं उस प्रकार से हम वायरसेस को कल्चर नहीं कर सकते जो है। देखिए आगे, एनिमल वायरसेस आर ग्रोन इन टिश्यू सेल कल्चर और मोनोलेयर ऑफ एनिमल सेल्स जो है। यानी जो एनिमल वायरसेस होते हैं वो किसी सेल के कल्चर के ऊपर, यानी वहां पे मोनोलेयर ऑफ एनिमल सेल्स के ऊपर ग्रो करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल तौर पर बताते हैं, जैसे कि अभी क्या है कि टेस्ट ट्यूब बेबी में क्या होता है कि हम बाहर फर्टिलाइजेशन कराते हैं, उसके बाद जायगोट को डेवलप करते हैं 8 to 16 सेल तक, और उसके बाद फिर हम जो है इम्ब्रियो में उस इम्ब्रियो को हम ट्रांसप्लांट करते हैं मदर की यूट्रस में जो है। तो वहां पे भी हमारे पास एक कल्चर होता है, बट हम ह्यूमन बींग्स पे कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, तो हम क्या करते हैं कि चिकन के ऊपर कर लेते हैं। यानी ह्यूमन बींग की सेल्स को हम ग्रो करके उसके ऊपर सेल लाइन बना करके मोनोलेयर फॉर्म करके वहां पे भी कर सकते हैं, लेकिन ह्यूमन बींग्स पे क्योंकि एक्सपेरिमेंट है, इसलिए हम अदर जैसे कि हम मान लीजिए घोड़े की सेल ले लें, बकरी की ले लें, चिकन की ले लें, तो वहां पे भी हम फॉर्म कर सकते हैं मोनोलेयर एनिमल सेल्स की, और उसके ऊपर हम वायरस का इन्फेक्शन करा सकते हैं जो है। तो यहाँ पे यह लिखा हुआ है, एनिमल वायरसेस आर ग्रोन इन टिश्यू सेल कल्चर्स ऑफ मोनोलेयर ऑफ एनिमल सेल्स। इफ द वायरसेस कॉजेस इट्स होस्ट टू सेल लाइस, देन इट रिजल्ट्स फॉर्मेशन ऑफ प्लेक्स एंड स्टेकी डिपॉजिट्स जो है। यानी क्या हुआ कि हम हमारे प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ था कि वायरस किस तरीके से इन्फेक्शन कॉज करते हैं, इसलिए हम बोल रहे हैं बार बार कि हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अब वायरसेस वाला जो हमने बताया हुआ है वीडियो लेक्चर, उसको आप देखिए। यानी वायरस क्या होता है, किसी भी सेल को जब इन्फेक्शन करता है तो अपना न्यूक्लिक एसिड इंजेक्ट कर देता है अंदर की तरफ जो है, और उसके बाद क्या होता है, उसका जो भी डीएनए या आरएनए है वो वहां पे मल्टीप्लाई, आरएनए होगा तो वहां पे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज लगेगा, सीडीएनए फॉर्म होगा। अगर मान लीजिए डीएनए है तो बहुत सारी कॉपीज बनना शुरू हो जाएगी, एक कॉपी से दो से चार, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64 यानी बहुत सारे डीएनए की कॉपीज वहां पे बन जाएंगे। उसका फिर प्रोटीन कोड का फॉर्मेशन होगा, और फिर उसका पैकेजिंग होगी, और बहुत सारे वायरसेस फॉर्म होंगे, फिर सेल को तोड़कर फ्री होंगे, नेक्स्ट सेल को इन्फेक्ट करेंगे। यानी कहने का मतलब वो सेल्स को ब्रेक करना शुरू कर देते हैं, तो क्या होता है यहाँ पे कि प्लेक्स फॉर्म होना शुरू होती है। यानी इफ द वायरसेस कॉजेस इट्स होस्ट सेल टू लाइस, देन इट रिजल्ट्स फॉर्मेशन ऑफ प्लेक्स एंड स्टिकी डिपॉजिट। यानी वहां पे क्या होगा कि प्लेक्स फॉर्म हो जाएंगे, यानी धब्बे तरीके से हमको दिखाई पड़ने के लिए, मान लीजिए बैक्टीरियल लॉन है और उसके ऊपर हमने वायरस का इन्फेक्शन कराया, तो वहां पे क्या होगा, धब्बे धब्बे जैसा दिखाई पड़ने लगेगा। या प्लांट की अगर हम बात करें, तो प्लांट पे अगर वायरस का इन्फेक्शन होगा तो पर्टिकुलर उस एरिया में लीफ पे धब्बे दिखाई पड़ने लगेंगे जो है। तो यानी यहाँ पे यही लिखा हुआ है, इफ द वायरसेस कॉजेस इट्स होस्ट सेल टू लाइस, देन इट रिजल्ट्स फॉर्मेशन ऑफ प्लेक्स, दैट मींस स्टिकी डिपॉजिट्स जो है। आगे देखिए, प्लेक्स में भी डिटेक्टेड इफ स्टेड विद डाइज सच एज न्यूट्रल रेड और ट्राइपान ब्लू, दैट कैन डिस्टिंग्विश लिविंग फ्रॉम डेड सेल्स जो है। यानी दो डाइज है, एक का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है न्यूट्रल रेड और दूसरे का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है ट्राइपान ब्लू।
यानी ये दो डाइज हैं, इन डाइज से अगर हम चाहें तो सेल्स को स्टेन कर दें, तो जो डेड सेल्स होंगी वो अलग कलर के स्टेन लेंगी और जो लाइव सेल्स होंगी वो अलग कलर का स्टेन लेंगी। तो क्या होगा, मान लीजिए बैक्टीरियल लाइन है या एनिमल सेल्स है, वहां पे वायरस का इन्फेक्शन हुआ तो पर्टिकुलर वहां पे धब्बा जैसा हमको दिखाई पड़ेगा बिल्कुल क्लियर, क्योंकि डेड सेल्स अलग हो जाएंगी स्टेन और लाइव सेल्स अलग तरीके से स्टेन हो जाएंगी इन कलर से। तो ये लिखा हुआ है, प्लेक्स में भी डिटेक्टेड इफ स्टेन विथ डाइज सच एज न्यूट्रल रेड और ट्राइपान ब्लू दैट कैन डिस्टिंग्विश लिविंग सेल्स फ्रॉम डेड सेल्स। आगे देखिए, तो सो वायरल कल्टीवेशन रिक्वायर्स द प्रेजेंस ऑफ सम फॉर्म ऑफ होस्ट सेल्स, यानी अगर हम वायरस को कल्टीवेट कर रहे हैं तो वहां पे हमको होस्ट सेल्स चाहिए, बिना होस्ट सेल के हम कल्टीवेट नहीं कर पाएंगे। होस्ट सेल्स में होल ऑर्गेनिज्म हो सकता है, एम्ब्रियो हो सकता है या फिर सेल कल्चर हो सकता है, एम्ब्रियो को भी हम ले सकते हैं या फिर पूरे पूरे जैसे वाले ह्यूमन बींग्स पे तो एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, लेकिन किसी अदर एनिमल को लेकर हम कर सकते हैं या प्लांट को लेकर हम कर सकते हैं, और सेल कल्चर कोई भी मेरे पास सेल कल्चर है ह्यूमन बींग्स का है या फिर किसी अदर का है वहां पे हम स्टडी कर सकते हैं। देखिए, सो कल्टीवेशन रिक्वायर्स द प्रेजेंस ऑफ सम फॉर्म ऑफ होस्ट सेल्स होल ऑर्गेनिज्म एम्ब्रियो और सेल कल्चर्स। आगे देखिए, वायरसेस कैन बी आइसोलेटेड फ्रॉम सैंपल्स बाय फिल्ट्रेशन। जैसा कि आपको बता होगा यूरोस्की ने क्या किया था, फर्स्ट टाइम वायरसेस को आइडेंटिफाई करने के लिए उन्होंने टोबैको में से एक वायरस को आइडेंटिफाई किया था, तो उन्होंने क्या किया था, प्लांट में जहां पे इन्फेक्शन है उस पत्ती को निकाला, उन्होंने क्रश किया मोर्टार एंड पेस्टल से, खलबट्टे में बस क्रश किया उसको, क्रश करने के बाद उसका रस पूरा निकाला और उसके बाद उसको फिल्टर किया। फिल्टर करने का मतलब बैक्टीरिया रिटेनिंग फिल्टर से फिल्टर किया, तो क्या हुआ, वायरस नीचे आ जाएगा, क्योंकि वायरस बहुत फाइन पार्टिकल होता है तो वो बैक्टीरिया रिटेनिंग फिल्टर से रुकता नहीं, वायरस नीचे आ जाएगा जो है, तो फिल्ट्रेट में वायरस आ गया। उन्होंने उस फिल्ट्रेट होकर क्या, जो नॉर्मल प्लांट था उसकी लीव्स थी वहां पे डाला, तो वहां पे भी इन्फेक्शन हो गया जो है। तो कहने का मतलब हम वायरस को फिल्टर कर सकते हैं इसी तरीके से जो है। देखिए यहाँ पे, सो द वायरल कल्टीवेशन रिक्वायर्स द प्रेजेंस ऑफ सम फॉर्म ऑफ होस्ट सेल्स होल ऑर्गेनिज्म एम्ब्रियो और सेल कल्चर्स। वायरस कैन बी आइसोलेटेड फ्रॉम सैंपल्स बाय फिल्ट्रेशन, यानी फिल्ट्रेशन करके हम वायरस को आइसोलेट कर सकते हैं, फिल्टर करके हम वायरस को निकाल सकते हैं, कोई भी कल्चर मेरे पास है उसको हम फिल्टर कर ले, मान लीजिए क्रश करके फिल्टर कर ले तो वायरस हमको वहां पे मिल जाएगा जो है। आगे देखिए, वायरल फिल्ट्रेट इज अ सोर्स ऑफ रिलीज वीरियंस, यानी कि जो फिल्ट्रेट होगा उसके अंदर बहुत सारे वायरसेस मेरे पास होंगे, यानी कि वायरल फिल्ट्रेट इज अ सोर्स ऑफ रिलीज वीरियंस, बहुत सारे वीरियंस वहां पे दिखाई पड़ेंगे जो है। बैक्टीरियोफेजेस आर डिटेक्टेड बाय प्रेजेंस ऑफ क्लियर प्लेक्स ऑन बैक्टीरियल लॉन, यानी कि बैक्टीरिया का लॉन अगर मान लीजिए है, एक बैक्टीरिया का पूरा बहुत अच्छा कल्चर है, अगर वहां पे बैक्टीरियोफेज डाल दें तो वहां पे प्लेक्स हमको दिखाई पड़ने लगेंगे, एक छोटे छोटे धब्बे हमको दिखाई पड़ने लगेंगे, तो वो क्या होंगे, वायरसेस का वहां पे इन्फेक्शन होगा जो है। तो ये लिखा हुआ है यहाँ पे जो है, बैक्टीरियोफेजेस आर डिटेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ क्लियर प्लेक्स ऑन बैक्टीरियल लॉन। आगे है, फॉर एग्जाम्पल मोस्ट ऑफ द इन्फ्लुएंजा वैक्सीन मैन्युफैक्चर्ड फॉर एनिमल फ्लू वैक्सीनेशन प्रोग्राम इज कल्चर्ड इन हैंस एग, यानी यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है कि जो फ्लू की वैक्सीन होती है, फ्लू की वैक्सीन को बनने जो हर साल वैक्सीन दी जाती है, फ्लू की वैक्सीन लगती है, तो उसको कहाँ पे कल्चर करते हैं, वहां पे जो वायरस होता है उसको हम हेन के एक पे कल्चर करते हैं। यहाँ पे देखिए, फॉर एग्जाम्पल मोस्ट ऑफ द इन्फ्लुएंजा वैक्सीन मैन्युफैक्चर्ड फॉर एनिमल फ्लू वैक्सीनेशन प्रोग्राम इज कल्चर्ड इन हेन्स एग, यानी मुर्गी का जो अंडा होता है उस अंडे में हम वायरस को इंजेक्ट कर देते हैं, क्योंकि वायरस का सैंपल को मिल जाएगा, मान लीजिए किसी को फ्लू है तो वहां से हम उसके टिश्यू फ्लूइड से हम वायरस का सैंपल निकाल लेंगे और निकालने के बाद मुर्गी के अंडे में उसको इंजेक्ट कर देंगे और वहां पे वायरस ग्रो करेगा और उसके बाद उस वायरस को हम किसी तरीके से किल करेंगे। किल करने का मतलब उसका आउटर स्ट्रक्चर सेफ रहेगा, यानी कि एपिटोप सेफ रहेगा, और उसको इनएक्टिवेट कर देते हैं हम फॉर्मल्डिहाइड से या फिनॉल से या बहुत सारे एजेंट से इनएक्टिवेट कर देंगे, आउटर स्ट्रक्चर सेम रहेगा और उसको हम यूज कर लेंगे वहां पे वैक्सीन के लिए। तो इसके लिए आप वैक्सीन वाला चैप्टर मेरा पढ़िए ना प्रीवियस वीडियो, इसीलिए बार बार बोल रहे हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो वैक्सीन प्रिपरेशन में बताया किस प्रकार से हम इनएक्टिवेटेड वैक्सीन को बना सकते हैं जो है। तो आते हैं वापस अपने टॉपिक पे, यानी फॉर एग्जाम्पल मोस्ट ऑफ द इन्फ्लुएंजा वैक्सीन मैन्युफैक्चर्ड फॉर एनिमल फ्लू वैक्सीनेशन प्रोग्राम इज कल्चर्ड इन हैंड्स एग, मेनी वायरसेस हैव ए टिश्यू ट्रॉपिज्म एंड मस्ट देयरफॉर बी इंट्रोड्यूस्ड इन ए स्पेसिफिक साइट फॉर ग्रोथ। यानी क्या होता है कि वायरसेस अलग अलग होते हैं, जैसे हमारे अभी कोविड-19 है तो ये ज्यादातर हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक को इन्फेक्ट कर रहा है, लीवर का इन्फेक्शन करने वाला वायरस अलग होता है, आंखों को इन्फेक्शन करने वाला वायरस अलग होता है, इवन प्लांट्स में भी अलग अलग वायरसेस होते हैं। तो कहने का मतलब बैक्टीरिया के लिए अलग वायरस है, तो वायरसेस बहुत प्रकार के होते हैं और अलग अलग प्रकार के टिश्यूज पे इन्फेक्शन कॉज करते हैं। तो ये इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि मैंने वायरसेस है ए टिश्यू ट्रॉपिज्म एंड मस्ट देयरफॉर बी इंट्रोड्यूस्ड इनटू ए स्पेसिफिक साइट फॉर ग्रोथ। आगे देखिए, विद इन एन एम्ब्रियो टारगेट साइट इंक्लूड्स द एमनियोटिक कैविटी द कोरियो एरेक्टोइक मेम्ब्रेन और योक सैक, यानी कि अगर हम यहाँ पे बात करें एम्ब्रियो की, अगर हम बात कर लें यानी विद इन एन एम्ब्रियो, अगर एम्ब्रियो की बात कर ले रहे हैं हम जो है, तो एम्ब्रियो में टारगेट साइट क्या हो सकता है, यहाँ पे एमनियोटिक कैविटी, जो एम्ब्रियोलॉजी जानते होंगे, एम्ब्रियोलॉजी पढ़ते होंगे वो जानते होंगे एमनियोटिक कैविटी क्या होती है, कोरियो एरेक्टोइक मेम्ब्रेन क्या होती है, इस पे भी इन्फेक्शन कॉज करता है वायरस, या फिर योक सैक जो उसका न्यूट्रिएटिव मटेरियल होता है वहां पे भी
इन्फेक्शन कॉज करता है वायरस। तो ये सब साइट्स है जहां पे वायरस अपना इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। फिर हम पढ़ते हैं विद इन एन एम्ब्रियो टारगेट साइट इंक्लूड्स द एमनियोटिक कैविटी द कोरियोलेंट्रिक मेम्ब्रेन्स और योक साइट। आगे देखिए वायरल इन्फेक्शन में डैमेज टिश्यू मेम्ब्रेन प्रोड्यूसिंग लेसन्स कॉल्ड पॉक्स डिस्टर्ब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट और कॉज द डेथ ऑफ द एम्ब्रियो। यानी वायरस का इन्फेक्शन क्या कर सकता है कि डैमेज कर सकता है टिश्यू की मेम्ब्रेन को। यानी वायरस का इन्फेक्शन कहीं पे भी हुआ तो वहां पे जो टिश्यू है उसकी मेम्ब्रेन को डैमेज कर सकता है। प्रोड्यूसिंग लेसन्स, लेसन्स का मतलब पहले ही हमने बताया कि वहां पे स्पॉट पड़ जाएगा, पूरा धब्बा पड़ जाएगा, लेसन हो जाएगा, इसको हम बोलेंगे पॉक्स। और भी डिस्टर्ब कर सकता है एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन डेवलपमेंट को और डेथ भी कॉज कर सकता है एम्ब्रियो की। यानी एम्ब्रियो में अगर हमने वायरस को इंजेक्ट किया तो वहां पे एम्ब्रियो की डेथ भी हो सकती है। आगे देखिए आइडेंटिफिकेशन ऑफ वायरसेस, यानी वायरसेस को अगर मान लीजिए आइडेंटिफाई करना है तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे ये पर्टिकुलर ये वायरस है। तो उसके लिए देखिए यानी अभी जो कोविड 19 चल रहा है उसमें भी हम यही मेथड यूज कर रहे हैं आइडेंटिफाई करने के लिए। तो अच्छा मेथड है यहाँ पे देखिए न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट जो है, न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट इसको हम नैट भी बोलते हैं, NAAT, और यूज इन मॉलिकुलर बायोलॉजी टू डिटेक्ट यूनिक न्यूक्लिक एसिड सीक्वेंस ऑफ वायरसेस जो है। यानी हम मॉलिकुलर बायोलॉजी के थ्रू या न्यूक्लिक एसिड सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करके वायरसेस को डिटेक्ट करते हैं। कैसे करते हैं आगे देखिए इन ए पेशेंट सैंपल, फिर से हम बोलते हैं न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट आर यूज इन मॉलिकुलर बायोलॉजी टू डिटेक्ट यूनिक न्यूक्लिक एसिड सीक्वेंस ऑफ द वायरसेस इन पेशेंट सैंपल। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इज यूज टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ वायरल डीएनए इन ए पेशेंट टिश्यू और बॉडी फ्लूइड सैंपल। यानी पीसीआर मशीन यहाँ पे यूज की जाती है। पीसीआर मशीन का मतलब एक मशीन, ऐसी मशीन होती है वो जिसके अंदर अगर हम डीएनए को डालें तो डीएनए को एम्पलीफाई करके हमको देते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमको वायरस का कल्चर हमारे पास है और वायरस के कल्चर से हम वायरस का डीएनए निकाल सकते हैं। हमारे पास मेथड होता है वायरस का डीएनए में निकाल लिया और उसके बाद सीक्वेंसिंग कर लिया, उसकी सीक्वेंस हमको मालूम हो जाएगा कि पर्टिकुलर वायरस का क्या सीक्वेंस है। तो पर्टिकुलर जो उसका कंजर्व सीक्वेंस होगा उस सीक्वेंस पे हम प्राइमर लगा करके उस सीक्वेंस को एम्पलीफाई कर सकते हैं और एम्पलीफाई करके किसी भी पेशेंट से हम वहां पर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यानी कि मान लीजिए किसी पेशेंट को वायरस का इन्फेक्शन है, जैसे मान लीजिए कोविड 19 का इन्फेक्शन है मान लिया हमें जो है, तो वहां पे क्या होगा कि वायरस का इन्फेक्शन अगर है तो हम वहां से उसके बॉडी से सैंपल लेंगे यानी सैंपल कलेक्ट करेंगे और सैंपल कलेक्ट करने के बाद हम वहां से डीएनए आइसोलेट करेंगे उस वायरस का जो है और उसके बाद फिर उस डीएनए पे हम पीसीआर का अपना प्राइमर लगाएंगे, डीएनए को एम्पलीफाई करेंगे, एम्पलीफाई करने के बाद हम उसका इनसिटू हाइब्रिडाइजेशन कराएंगे यानी वेस्सल रॉटिंग करा करके हम जो है हाइब्रिडाइजेशन कराएंगे और हाइब्रिडाइजेशन करने के बाद हम वहां पे एकदम कंफर्म कर देंगे कि यहाँ पे ये वाला वायरस यहाँ पे है। लेकिन एक प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि म्यूटेशन नहीं होना चाहिए वायरस में, अगर म्यूटेशन हो गया तो ये भी हमारा फेल कर सकता है टेक्निक जो है। तो देखिए यहाँ पे पीसीआर इज ए टेक्निक दैट एम्पलीफाइज प्राइमर्स बाइंड स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ वायरल डीएनए इनेबलिंग आइडेंटिफिकेशन ऑफ द वायरस। यानी पीसीआर इज ए टेक्निक दैट एम्पलीफाइज सिंथेसाइज मेनी कॉपीज। यानी पीसीआर एक टेक्निक है जो कि एम्पलीफाई करता है, सिंथेसाइज करता है बहुत सारी कॉपीज ऑफ ए वायरल डीएनए सेगमेंट ऑफ इंटरेस्ट। यानी वायरल डीएनए सेगमेंट ऑफ इंटरेस्ट को एम्पलीफाई करेगा यूजिंग पीसीआर। शॉर्ट न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस कॉल्ड प्राइमर्स बाइंड टू स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ वायरल डीएनए इनेबलिंग आइडेंटिफिकेशन ऑफ द वायरस जो कि अभी हमने आपको बताया। यानी पीसीआर में क्या होता है प्राइमर हम देते हैं वहां पे और प्राइमर के थ्रू वायरस का जो डीएनए वो एम्पलीफाई होगा और एम्पलीफाई करने के बाद फिर हम वहां पे हाइब्रिडाइजेशन कराएंगे और हाइब्रिडाइजेशन कराएंगे वो किट बेस पूरा होता है और किट के थ्रू हम आइडेंटिफाई कर लेंगे कि हमारा ये पर्टिकुलर वायरस होता है। नेक्स्ट देखिए रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, यानी पीसीआर या आरटीपीसीआर जैसे कि आरएनए वायरस है, ये कोविड 19 आरएनए वायरस है, तो यहाँ पे हम ये वाला मेथड यूज करेंगे आरटीपीसीआर। इसमें क्या होता है कि हम पहले जो उसके अंदर आरएनए मॉलिक्यूल है उसका जीनोम आरएनए है उससे हम क्या करेंगे उस आरएनए से हम पहले डीएनए बनाएंगे, सी डीएनए फॉर्म होगा यानी रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम लगाएंगे उससे सी डीएनए फॉर्म होगा और फिर उस सी डीएनए के लिए हम प्राइमर्स डिजाइन करेंगे और फिर उसको हम आइडेंटिफाई करके वहां पे जो है हाइब्रिडाइजेशन करा के पता कर लेंगे कौन सा वहां पे है वायरस जो है किसका इन्फेक्शन है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आर्टिफिशियल इज एन मेथड यूज टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ आरएनए वायरसेस। यानी आरएनए वायरसेस के लिए ये वाला मेथड हम यूज करते हैं, आरटीपीसीआर वाला जो मेथड है उसको हम यूज करते हैं आरएनए वायरसेस को डिटेक्ट करने के लिए जो है। यानी रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पीसीआर, आरटीपीसीआर इज एन मेथड यूज टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ एन आरएनए वायरसेस। आरटीपीसीआर डिफर्स फ्रॉम पीसीआर इन दैट द एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इज यूज टू मेक ए सी डीएनए फ्रॉम द स्मॉल अमाउंट ऑफ वायरल आरएनए इन द स्पेसिमेन। यानी पहले ही हमने बताया कि वहां पे आरएनए से सीडीएनए बनाया जाएगा, कैसे बनाया जाएगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम हम लगाएंगे और उस आरएनए से वहां पे सीडीएनए फॉर्म हो जाएगा, फिर उस सीडीएनए पे हम प्राइमर्स लगाकर उसको एम्पलीफाई करेंगे और एम्पलीफाई करने के बाद उस डीएनए का हाइब्रिडाइजेशन करा के मैचिंग करा लेंगे कि वही है, अगर हाइब्रिडाइजेशन करके मैचिंग कर गया तो हम रिजल्ट दे देंगे कि हाँ वही वायरस है, अगर नहीं मैचिंग किया तो हम बोलेंगे नहीं है वहां पे जो है। तो देखिए यहाँ पे ये लिखा हुआ है द सीडीएनए कैन
देन बी एम्पलीफाइड बाय पीसीआर। सीडीएनए को हम एम्पलीफाई करते हैं पीसीआर से, बट पीसीआर एंड आरटीपीसीआर आर यूज टू डिटेक्ट एंड कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ द वायरस वायरल न्यूक्लिक एसिड इन द पेशेंट स्पेसिमेन। मेरे फिर से पढ़ते हैं, बट पीसीआर एंड आरटीपीसीआर आर यूज टू डिटेक्ट एंड कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ द वायरल न्यूक्लिक एसिड इन द पेशेंट स्पेसिमेन। जो है यानी हम जो है आरटीपीसीआर से भी कर सकते हैं, या फिर पीसीआर अगर डीएनए वायरस है तो डायरेक्टली ऊपर वाला मेथड यूज करेंगे पीसीआर, अगर आरएनए वायरस है तो आरटीपीसीआर। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये भी है कि किट में कभी कभी क्या होता है कि वायरस वायरस जो है वहां पे म्यूटेशन हो गया उसके अंदर, जैसे मान लीजिए चाइना से आया इंडिया वायरस, यहाँ पे म्यूटेशन हो गया उसके अंदर जो है, तो यहाँ पे हम डिटेक्शन जो करेंगे वो भी फेल हो सकता है हमारा जो है। तो कहने का मतलब हमको हमेशा उसका डीएनए आइसोलेट करके उसका सिक्वेंसिंग करके देख लेना चाहिए कि जो हम वहां पे काम कर रहे हैं वो सही है नहीं जो है। तो किट को भी बराबर चेक करना चाहिए, वायरस को बराबर आइसोलेट करके उसका हम डीएनए निकाल करके सीक्वेंसिंग करके ये जान लेना चाहिए कि हम जो किट यूज कर रहे हैं, जो मेथड यूज कर रहे हैं वो ठीक है या नहीं जो है। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट मेथड, देखिए एंजाइम इम्यूनो ऐसे, ये पहले यूज किया था अभी कम यूज करते हैं, जैसे एलाइजा वगैरह हम कम यूज करते हैं। इसमें क्या है, एंजाइम क्या होता है, इससे मान लीजिए एंटीजन, जैसे मान लीजिए वायरस एक एंटीजन है, हम ह्यूमन बींग्स को इन्फेक्शन कॉज कर रहे हैं, किसी अदर ऑर्गेनिज्म को इन्फेक्शन करा दिया, जैसे कि हमने वैक्सीन बताया था, जैसे घोड़े को हमने करा दिया, बकरी को करा दिया, हमने खरगोश को करा दिया, माउस को करा दिया, और कराने के बाद मान लीजिए वहां पर एंटीबॉडी हमने फॉर्म किया, और एंटीबॉडी फॉर्म करने के बाद उस एंटीबॉडी से हमने टैग लगा दिया। टैग लगाने का मतलब कोई एंजाइम हमने वहां पर लगा दिया उस एंटीबॉडी से, और उसके बाद क्या किया उस एंटीबॉडी को यूज़ से, मान लीजिए किसी आदमी को इन्फेक्शन है पर्टिकुलर किसी वायरस का, तो वायरस उसकी बॉडी से हम सैंपल लेंगे, वहां पे हमको वायरस मिल जाएगा, और फिर हमारे पास पहले से बनी हुई एंटीबॉडी है, और दोनों का हम वहां पे हम पहले हाइब्रिडाइजेशन कराएंगे, और जब इंडियन एंटीबॉडी हाइब्रिडाइज करेगा तो वहां पे क्या होगा कि एंटीबॉडी के पास टैग में एक एंजाइम लगा हुआ है, वो कलर तुरंत प्रोड्यूस कर देगा, और जैसे ही कलर प्रोड्यूस होगा आपको मालूम हो जाएगा कि पर्टिकुलर इस वायरस का इन्फेक्शन यहाँ पे है। लेकिन फिर भी कंफर्मेशन के लिए हमको वापस पीसीआर की तरफ आना पड़ेगा या फिर आरटीपीसीआर को करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे एंजाइम इम्यूनोएसे के बारे में बताते हैं, इट डिपेंड्स ऑन द एबिलिटी ऑफ एंटीबॉडीज टू डिटेक्ट एंड अटैच ए स्पेसिफिक बायोमोलिक्यूल्स कॉल्ड एंटीजन। जो है यानी यहाँ पे क्या होगा, ये डिपेंड करता है ये एबिलिटी, यानी एंटीबॉडी डिटेक्ट करेगी पहचानेगी किसी स्पेसिफिक बायोमोलिक्यूल्स को बोलते हैं मीडिया, एंटी एंटीबॉडी आपस में इंटैक्ट करेगा। पहले हमने बताया कि एंटीबॉडी हम कहीं और फॉर्म कर लेंगे, और ह्यूमन बींग में मान लीजिए वायरस का इन्फेक्शन तो वो एंटीजन के रूप में होगा। एंटीबॉडी हम निकाल लिया हमने घोड़े से, और एंटीजन हमने निकाल लिया ह्यूमन बींग्स को, दोनों को मैचिंग कराएंगे, अगर वहां पे इन्फेक्शन होगा तो दोनों इंडियन एंटीबॉडी आपस में मिक्स कर जाएंगे, जब मिक्स करेंगे बाइंडिंग हो जाएगी वहां पे, तो बाइंडिंग होने के बाद क्या है एंटीबॉडी के पास स्पेसिफिक टैग है एंजाइम्स है, वो कलर प्रोड्यूस कर देंगे, जिससे आपको मालूम हो जाएगा कि ये वाला इन्फेक्शन यहाँ पे है, यानी वही यहाँ पे बताया जा रहा है जो है। द एंजाइम एक्ट एज़ अ टैग ऑन द डिटेक्टिंग एंटीबॉडीज, यहाँ पे एंजाइम पे टैग लगा हुआ है, द एंजाइम एक्ट एज़ अ टैग ऑन द डिटेक्टिंग एंटीबॉडी एंड कैन इंटरैक्ट विथ ए कलरलेस सब्सटेट रिजल्टिंग टू द प्रोडक्शन ऑफ कलर्ड इन प्रोडक्ट, यानी यहाँ पे टैग लगा हुआ है। फिर से हम पढ़ते हैं यहाँ पे जो है, द एंजाइम एक्ट एज अ टैग ऑन द डिटेक्टिंग एंटीबॉडीज एंड कैन इंटरैक्ट विथ ए कलरलेस, द डिटेक्टिंग एंटीबॉडी अटैच टू द टारगेट एंटीजन विथ ए हाई डिग्री ऑफ स्पेसिफिसिटी इन ए कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, यानी एंटीजन एंटीबॉडी बहुत ही स्पेसिफिक बाइंडिंग मार्क होती है, बहुत सारे बॉन्ड्स में भी फॉर्म होते हैं, और एंटीजन एंटीबॉडी और एंटीबॉडी के बीच में, एंटीजन और एंटीबॉडी के बीच में स्पेसिफिक बाइंडिंग मार्क होती है। ये क्या, द डिटेक्टिव एंटीबॉडी अटैच टू द टारगेट एंटीजन विथ ए हाई डिग्री ऑफ स्पेसिफिसिटी इन ए कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। आगे है, द एंजाइम एक्ट एज अ टैग ऑन द डिटेक्टिंग एंटीबॉडी एंड कैन इंटरैक्ट विथ ए कलरलेस सब्सटेट रिजल्टिंग टू द प्रोडक्शन ऑफ कलर्ड इन प्रोडक्ट, यानी जो एंजाइम होगा उसमें एक टैग लगा होगा, और टैग में क्या होगा एंजाइम, सॉरी जो एंटीबॉडी होगी उसमें एक टैग लगा होगा, उस टैग में एंजाइम होगा, और वो एंजाइम क्या करेगा तुरंत कलर इन प्रोडक्ट फॉर्म करेगा, जैसे ही एंटीजन एंटीबॉडी बाइंड होगी और तुरंत वो एंजाइम जो कि टैग के रूप में एंटीबॉडी वो कलर इन प्रोडक्ट दे देगा, जिससे कि मालूम हो जाएगा कि वहां पर्टिकुलर एंटीजन का इन्फेक्शन वहां पे है। ये लिखा हुआ है, द एंजाइम एक्ट एज अ टैग ऑन डिटेक्टिंग एंटीबॉडी एंड कैन इंटरैक्ट विथ ए कलरलेस सब्सटेट रिजल्टिंग टू द प्रोडक्शन ऑफ कलर इन प्रोडक्ट। दिस मेथड फॉर वायरल एंटीजन्स आर ऑफन यूज्ड एज प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग टेस्ट, यानी ये जो मेथड है वायरल एंटीजन्स का ये प्रिलिमिनरी टेस्ट के रूप में यूज किया जाता है, इसके बाद हम जो है पीसीआर से फिर उसको फिर से हम उसको कंफर्मेशन कर लेंगे जो है। यानी दिस मेथड फॉर वायरल एंटीजन्स आर ऑफन यूज्ड एज प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग टेस्ट, इफ द रिजल्ट्स आर पॉजिटिव फर्दर कंफर्मेशन विल रिक्वायर टेस्ट with even greater sensitivity such as NAT technique as described above। जो है यानी कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर मान लीजिए वहां पे कलर इन प्रोडक्ट आ गया जो है, तो हमको कंफर्मेशन हो जाएगा कि वायरस है, लेकिन फिर भी फर्दर कंफर्मेशन के लिए हम पीसीआर वाली टेक्निक जो ऊपर हमने अभी बताई उसको हम यूज करके वहां पे फर्दर कंफर्मेशन हम कर लेंगे,
पूरा, क्योंकि वहां पे न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस से मैचिंग होती है तो वो ज्यादा क्लियर होगा वहां पे जो है इनकम्प्लीट रिस्क जो है, यानी ये रिजल्ट अगर पॉजिटिव होगा उसके बाद फिर हम ये वाला टेक्निक यूज करेंगे पीसीआर वाली और उसे कंफर्मेशन कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए कल्टीवेशन ऑफ प्लांट वायरसेस, यानी मान लीजिए प्लांट वायरस को कल्टीवेट करना है तो हम क्या कर सकते हैं वहां पे जो है, देखिए प्लांट्स में इन्फेक्शन अगर है तो प्लांट्स में क्या होगा, लीव्स एकदम लीव्स पे एकदम प्लेक्स दिखाई पड़ेंगे, लीव्स का कलर एकदम चेंज जाएगा या धब्बे टाइप दिखाई पड़ेंगे। तो मान लीजिए एक प्लांट है एकदम हेल्दी प्लांट है, उस पर हमको इन्फेक्शन कराना है वायरस का, तो क्या करना होगा, हमको सबसे पहले उसका सेल वॉल रिमूव करना पड़ेगा। सेल वॉल रिमूव करने के लिए हम वहां पे उस पर घाव क्रिएट कर सकते हैं या एब्रेसिव से मिक्सिंग करके सेल वॉल को रिमूव कर सकते हैं, या फिर आप नेचर में अगले इंसेक्ट वगैरह जो अटैक करते हैं, इंसेक्ट अटैक करते हैं तो वहां पे घाव हो जाता है प्लांट्स के ऊपर और वहां से भी वायरसेस इंटर करते हैं, या फिर हमारी बॉडी में भी जो कट होते हैं उन कट से भी वायरसेस इंटर करते हैं, माउथ से इंटर करते हैं या नोज से इंटर करते हैं या आईज से इंटर करते हैं जो है। तो यहाँ पे देखिए कल्टीवेशन ऑफ प्लांट वायरसेस में, प्लांट वायरसेस आर कल्टीवेटेड इन ए वैरायटी ऑफ वेज, यानी बहुत सारा तरीका है इससे हम प्लांट वायरसेस कल्टीवेट कर सकते हैं। प्लांट टिश्यू कल्चर्स और कल्चर ऑफ प्रोटोप्लास्ट में भी यूज, यानी प्रोटोप्लास्ट कल्चर यूज किया था, प्रोटोप्लास्ट का मतलब होता है सेल विदाउट सेल वॉल, प्लांट की सेल होगी उसमें सेल वॉल अगर नहीं है उसको प्रोटोप्लास्ट बोलेंगे, तो प्रोटोप्लास्ट कल्चर में भी हम वायरसेस को इनोकुलेट करके हम आगे वहां पे वायरस कल्चर कर सकते हैं, प्लांट का सेल हम लेंगे उससे सेल वॉल रिमूव करेंगे तो वहां पे प्रोटोप्लास्ट हमको मिल जाएगा और उसके ऊपर हम इन्फेक्शन करा करके कल्चर कर सकते हैं वायरसेस का जो है। आगे देखिए वायरसेस कैन ऑल्सो ग्रोन इन होल प्लांट, इन नेचुरल कंडीशन में प्लांट खड़ा है, वहां प्लांट है खड़ा हुआ तो वहां पे भी हम कर सकते हैं, वायरसेस कैन ऑल्सो बी ग्रोन इन होल प्लांट यूजुअली आफ्टर द लीव्स आर मैकेनिकली इनोकुलेटेड, यानी लीव्स में इन्फेक्शन करा सकते हैं वायरसेस का, लेकिन क्या करना होगा हमको सेल वॉल वहां से हटाना पड़ेगा सबसे पहले, तो उसके लिए क्या करेंगे, बाय रबिंग देम विथ ए मिक्सचर ऑफ वायरसेस एंड एब्रेसिव, यानी ग्राइंडर जो है, यानी क्या होगा वहां पे एब्रेसिव मतलब एक ग्राइंडर वहां पे होगा और ये एब्रेसिव क्या करेगा वहां पे सेल वॉल को रिमूव करेगा जो है, यानी पत्तियों पे हम रगड़ेंगे एब्रेसिव से वो वहां पे सेल वॉल रिमूव करेगा और तब हम वहां पे वायरसेस का इन्फेक्शन कराएंगे। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है वायरसेस कैन ऑल्सो बी ग्रोन इन होल प्लांट यूजली आफ्टर द लीव्स आर मैकेनिकली इनोकुलेटेड बाय रबिंग देम विथ ए मिक्सचर ऑफ वायरस एंड एन एब्रेसिव, यानी एब्रेसिव यानी ग्राइंडर, यानी वहां पे ग्राइंडर होगा सेल वॉल को रिमूव करेंगे और वहां पे इन्फेक्शन हो जाएगा। आगे देखिए व्हेन द सेल वॉल्स आर ब्रोकन बाय एब्रेसिव, यानी सेल वॉल अगर ब्रोक हो जाएगी टूट जाएगी एब्रेसिव से, द वायरसेस डायरेक्टली कॉन्टेक्ट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड इन्फेक्ट एक्सपोज्ड होस्ट सेल्स, यानी जब वहां पे सेल वॉल हट गई तो प्लांट की सेल से वायरसेस इंटैक्ट करेंगे और अपना इन्फेक्शन कर देंगे प्लांट की सेल को जो है। इन नेचर द रोल ऑफ एब्रेसिव इज फुलफिल्ड बाय इंसेक्ट, इन नेचर में क्या होता है इंसेक्ट ने पहले बताया कि इंसेक्ट बैठता है प्लांट के ऊपर और वो वहां पे स्ट्रक करता है प्लांट यूजर्स को तो वहां पे वो पंक्चर कर देता है और वहीं से वायरसेस इंटर कर जाते हैं, फिर हमारी बॉडी में भी कहीं पे कट लग गया उससे वायरसेस इंटर करते हैं, तो प्लांट्स में वायरसेस जो है इंसेक्ट कट लगाएगा और उससे वायरस इंटर कर जाएगा प्लांट की बॉडी में, दैट सक और क्रश प्लांट लीव्स एंड दस ट्रांसमिट वायरसेस, इस तरीके से वायरसेस को ट्रांसमिट करते हैं। हमने आपको आज बताया कि किस तरीके से हम प्लांट्स में वायरसेस कैसे कर सकते हैं, ह्यूमन बींग्स में वायरस का इन्फेक्शन हो गया तो कैसे हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, या ह्यूमन बींग्स के अलावा हम मान लीजिए वायरसेस को कल्चर करना है तो यहाँ पे हमने बताया कि किस प्रकार से वायरसेस को कल्चर कर सकते हैं, यानी एनिमल सेल्स में प्लांट सेल्स में और कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं वायरसेस को पीसीआर के थ्रू, डिफरेंट टेक्निक्स हमने बताई। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई विल अगेन कम विद सम इंटरेस्टिंग वीडियोस, काइंडली प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू।